नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव खुम्बावली के सरकारी विद्यालय में तैनात एक नहीं बल्कि चार चार महिला टीचरों की करतूत सामने आई है, जो सभी को हैरान कर देगी। महिला टीचरों को सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत इस तरह सवार हुआ कि वो विद्यालय में आने के बाद बच्चों को पढ़ाने की जगह रील बनाने में लग जाती हैं और डांस करती हैं, फिर उसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर वायरल करती हैं। साथ ही बच्चों से कहती हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल व इंस्टाग्राम को लाइक व सब्सक्राइब करें। अगर कोई छात्र लाइक व सब्सक्राइब नहीं करता तो उसके साथ महिला शिक्षक मारपीट करती हैं। जब बच्चे इस मामले की शिकायत घर जाकर करते हैं कि स्कूल में महिला टीचर द्वारा हमें नहीं पढ़ाया जाता, तब गांव वालों ने इस मामले की शिकायत विभाग से की। वहीं चारों महिला टीचरों का वीडियो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी भरत भूषण सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। महिला टीचरों के खिलाफ विभाग की कार्यवाही करी जा रही है। आपका सुनील, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? अच्छा, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? मैडम, ऐसा मुझसे लेटरिन में पानी भी रखवाया था और मुझसे वो भी धुलवाती हैं, दो दो पार्ले जी रुपए में वो भी मट्टी भी धुलवाती हैं। अच्छा, खड्डे बंद करवाती हैं, मतलब मुझसे पूनम मैम ने वो भी डलवाया था पानी लेटरिन में। तो मैडम क्या करती हैं? मैं दो तीन बार पीट गया था बालकों ने, मैं कहने गया हेम सिंह सर को सर मैं मार रहा हूँ खूब, तो नुकरे और उसको तो सभी पीटते रहते हैं, तो मैडम फोन में लगी रहती हैं। मैं उनसे गोपाल सर को कहने गया था तो उन्होंने भी ऐसी कह दी थी, तो मैं फिर अपने घर को आ गया, मेरे पापा ने वो पीट दे जाए। अच्छा, मैडम ने जो है रील वील बनाती है मैडम? रील वीडियो तुम देख लो फेसबुक पर। अच्छा, तो सब्सक्राइब लाइक के लिए तो नहीं बोलती हैं आपसे? बोलती हैं, सबसे कहती हैं मुझे लाइक करो, सब बच्चे से कहती हैं। और नहीं करते तो? नहीं करते तो सबसे कहती है, पर बात तो कर देते हैं, ऐसा पूजा मैम को सभी मानती हैं। अच्छा जी। आपका अंकित कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सिक्स में। अच्छा, आपके जो महिला टीचर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या है वो मामला? सर, वो वीडियो बनाती है स्कूल के पीछे, हमसे कहती है लाइक करो शेयर करो, हम नहीं करते तो हमें मारती। अच्छा, को काम पढ़ाती किस तरह? स्कूल का कोई घर के लिए काम वाम देती है? कोई काम नहीं देती? नहीं। तो आपने कोई शिकायत भी किया घर पर कही अपने पापा मम्मी से? तो क्या उन्होंने जाके कुछ बोला? सर, उन्होंने क्या था पर वो कह रहे मोबाइल पे पढ़ाई चलती है। अच्छा, राहुल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सिक्स में। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रही है आपके महिला टीचरों की, क्या है ये मामला? सर, लोग कहती हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो। अच्छा, नहीं मार फेरती है। अच्छा, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करो तो मार फेरती हैं? जी सर। कितनी महिलाएं हैं ऐसी? चार। तो पढ़ाई किस समय करवाती हैं? पढ़ाई करवाती है? नहीं नहीं सर, पढ़ाई नहीं कराती। नहीं सर। तो क्या करती हैं ये टीचर? सर जी, रील बना, रील बनाती रहती हैं। जी सर। अच्छा, तो आपने शिकायत घर पर की नहीं इस मामले की? जी सर। आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है जी। रमेश सिंह, कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में आपके? तीन बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, क्या मामला? बच्चे कुछ शिकायत वगैरह करते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई के लेकर? हाँ, अध्यापक नहीं आते हैं पढ़ाने, बच्चे कहते हैं कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, और बच्चे टीचरों से कहते हैं कि चलो हमें पढ़ा दो, तो टीचर कहते हैं चलो हमारे पूरे पूरे दिन भर क्लास में जाते हैं। अच्छा, कोई रील बनाने का मामला भी सामने आया? हाँ, रील बनाती हैं। रील कौन बनाती है? मैडम बनाती हैं। अच्छा, बच्चे शिकायत करते हैं इसकी? बच्चे शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एक बार हमारा लड़का गया कि हमें पढ़ा दो अध्यापक से, तो अध्यापक बोले क्या अभी जलेबी भी खा रहे हैं, फिर वो नहीं आई क्लास में पूरे समय में। 13 अगस्त को मैडम कोई उसको बच्चे आए हमारे घर पर, घर से तैयार हो गए, रविवार का दिन था, तो बच्चे घर आए, मैं बोला बेटा कैसा आए? वो बोले कि पापा मैडम ही नहीं आई स्कूल में, हमने जाके देखा मैडम कोई नहीं, और 14 तारीख में जाके देखा तो अटेंडेंस लगी हुई इनकी। तो शिकायत की आपने किसी से? NPR से, ABSA से शिकायत की। वो भी नहीं आई, 1.5 महीना हो गया अब तक, लेकिन शिकायत पर कोई नहीं आया अभी तक। एक सर, मामला संज्ञान में आया है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी गंगेश्वरी श्रीमती आरती गुप्ता जी हैं, उनको जांच सौंपी गई है, वो मामले की जांच करके रिपोर्ट करेंगे, जैसी होगी उसी के हिसाब से आवश्यक कार्रवाई कर देंगे।
गांव वालों का आरोप है कि विद्यालय में जो शिक्षिकाएं हैं वो पढ़ाती कम है और वीडियो बनाने में लगी रहती है। उसकी जांच भी उन्हें सौंपी गई है, वो पूरी विस्तृत जांच करके रिपोर्ट करेंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर जांच सही पाई जाएगी तो इन सब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।